गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, आशा है आप लोग अच्छे से होंगे। आज हमारा हिंदी क्लास में नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से सुनना, समझ में आया? थोड़ा सा ध्यान से सुनना। नया चैप्टर है वो है कौन सा? सिक्स लेसन, ठीक है, चैप्टर सिक्स। और टॉपिक क्या है, चैप्टर का नाम क्या है? बड़ा ऊ की मात्रा। अब तक हम लोग लेसन फाइव छोटा ऊ की मात्रा तक हमारा हो चुका है, अभी नया टॉपिक है बड़ा ऊ की मात्रा। तो बड़ा ऊ की मात्रा शुरू करने से पहले लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स थोड़ा एक बार देख लेते हैं। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में लिखा है बड़ा ऊ की मात्रा का ज्ञान करवाया जाएगा, सरल वाक्य पढ़ने एवं लिखने में सक्षम होना, ठीक है। जब हम बड़ा ऊ की मात्रा जब हम लोग सीख लेंगे, इससे क्या होगा, बड़ा ऊ की मात्रा जो यूज करके प्रयोग करके जो हम लोग शब्द लिखते हैं उसको हम उच्चारण कर पाएंगे, बोल बोल कर लिख पाएंगे, शब्दों को ब्रेक कर पाएंगे, ठीक है, अक्षरों को मात्राओं को अलग कर पाएंगे, फिर अलग किए हुए अक्षर और मात्राओं को फिर से हम जोड़ भी पाएंगे, ठीक है। इसके बाद छोटे छोटे वाक्य भी हम बना पाएंगे, ठीक है। उन छोटा बड़ा ऊ वाले जो शब्द है, बड़ा ऊ मात्रा वाले जो शब्द है, उनसे हम लोग छोटा छोटा वाक्य भी हम बना सकेंगे, सेंटेंस बोलते हैं वो हम बना सकेंगे। उनको अगर हम करना हमारे लिए अगर वो करना इजी तब होगा, ठीक है, ये जो वाक्य बनाना, इसके बाद शब्दों को पढ़ना और बहुत ही स्पीड में, ठीक है, और जल्दी जल्दी हम लिख पाना, ये हमारा तब होगा जब हम लोग मात्रा से परिचित होंगे, ठीक है, पड़ाव की मात्रा से हम परिचय होंगे। तो अभी हम लोग पड़ाव की मात्रा को अक्षरों से अलग करके मैं थोड़ा सा दिखा रही हूँ, आप लोग थोड़ा ध्यान से देखो, ठीक है। सबसे पहले ये है अक्षरों को जोड़कर लिखो, ठीक है, ये हमारा एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो। सबसे पहले आ जोड़ ल जोड़ बड़ाऊ की मात्रा क्या बना, आलू। इसके बाद ज जोड़ बड़ाऊ की मात्रा जोड़ ता क्या बना, जूता। इसके बाद छ जोड़ बड़ाऊ की मात्रा जोड़ ला, शब्द को जोड़ने से उसका साउंड क्या निकलता है, उच्चारण क्या निकलता है, झूला, ठीक है, झूला। इसके बाद त जोड़ रा जोड़ ज जोड़ बड़ाऊ तो क्या बना, तराजू, ठीक है, तराजू। नेक्स्ट फ जोड़ बड़ाऊ जोड़ ल जोड़ ता जोड़ न क्या बना, आपस में जब जोड़ देंगे उसका शब्द क्या बनता है, फूलदान, ठीक है। जो हम लोग फूल इकट्ठा कच्चा फूल हो या सूखा फूल हो जिस पे हम लोग रखते हैं उसे हिंदी में क्या कहते हैं, फूलदान। तो ये हो गया आपके कुछ शब्द जो मैंने अलग करके दिया, उसको कैसे करना है आप लोगों ने यहाँ देखा भी है, ठीक है, ये थोड़ा सा घर में प्रैक्टिस करोगे। अब इन्हीं शब्दों से, ठीक है, ये जो बड़ा ऊ की जो मात्रा है इसी से कुछ शब्द बना। अब हम कैसे वाक्य, छोटा छोटा वाक्य किस तरह से पढ़ेंगे वो थोड़ा सा देख लेते हैं। पेज नंबर 17 निकालिए, ठीक है, पेज नंबर 17 में है जैसे आओ पढ़े, ठीक है, उसमें टॉपिक है आओ पढ़े, उसमें बोला गया है, लिखा गया है रूही झूला झूल, ठीक है, ये रहा झूला शब्द। इस झूला शब्द से एक सेंटेंस बनाने के लिए अगर पूछा जाए आप लोग किस तरह से बोलोगे, रूही झूला झूल। इसके बाद खजूर, ठीक है, दुकान जा खजूर ला, ठीक है, खजूर अगर लिखने को बोला गया, खजूर से कुछ सेंटेंस बनाओ तो क्या बोलोगे, दुकान जा खजूर ला। इसी तरह से फूलदान, फूलदान ला, ठीक है, फूलदान ला फूल रख। इसके बाद तरबूज और अमरूद, ठीक है, तरबूज और अमरूद, तरबूज में भी बड़ाऊ की मात्रा है और अमरूद में भी बड़ाऊ की मात्रा है, तो हम लोग उसको कैसे बोलेंगे, तरबूज और अमरूद खा, ठीक है, तरबूज और अमरूद खा।
ये थे आपके बड़ाऊ से, बड़ाऊ की मात्रा से कुछ शब्द और कुछ सेंटेंस। मैंने बुक के जो एक्सरसाइज है वो मैंने कर दिया, आप लोगों में गूगल क्लासरूम में भेज दूंगी, आप लोग वहाँ से अपने कॉपी में नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में, सॉरी कॉपी में नहीं किताब में नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में लिखोगे, ठीक है। जो बुक एक्सरसाइज है वो आप लोग किताब में करोगे। ये जो है लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स और अक्षरों को जोड़कर लिखो, ये आप लोग कॉपी में उठाओगे। ध्यान रखना ये जो बोर्ड का जो वर्क है ये आपको कॉपी में उठाना है, और जो मैं क्लास वर्क दूंगी ठीक है उसको आप लोग देख देख के अपने किताब में ही उठाना है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, अच्छे से रहो, क्लास वर्क नीट एंड क्लीन कंप्लीट करो। टेक केयर, थैंक यू।